हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रहमत इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 225 के ट्रे में 100 mm का रिड्यूसर बना करके दिखाएंगे। उसका मार्किंग, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा 225 × 50 mm का ट्रे है। 225 इधर से और साइड से इसका मेजर करेंगे तो 50 mm है ना। तो इसमें हमको साइड रिड्यूसर बनाना है 100 mm का। ये जो देख रहे हैं 225 का ट्रे है और हमको इसको इधर से 100 mm का रिड्यूसर बनाना है। तो हम यहाँ से ये जो देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम 20 cm छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 20 cm छोड़ दिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया 20 cm, ठीक है। तो हमको इधर से 100 mm लेना है, 100 mm का हमको रिड्यूसर बनाना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हमारा 100 mm कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए, ये 10 cm देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं 100 mm। तो यहाँ पे एक निशान आप लगा दें, है ना, ये हमारा 100 mm हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये मार्किंग कर देंगे सीधा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले इसको मार्किंग कर लें, तो देख सकते हैं ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ये निशान हमने इधर से 20 cm छोड़ा है, इसके बाद हमको 10 cm का ये बनाना है। ये कपलर का जगह 10 cm हमको छोड़ना है ना, और ये भी हमारा 10 cm का रिड्यूसर बनेगा। तो यहाँ से हम यहाँ मार्किंग करते हैं, ये देखिए हम बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा बड़ा मार्किंग नहीं करेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे कितना, 15.5 cm। तो देख सकते हैं ये हमारा मेजरमेंट टेप यहाँ पे है और ये हमारा, ये देख लेना है, ये 15 cm, ये 5 mm। तो यहाँ पे एक निशान हम लगा देंगे, ये हमारा मार्किंग हो गया। अब इसको हम यहाँ से राइट एंगल से इसको लकीर खींच देते हैं। तो ये देखिए, ये मार्किंग हो गया है ना, ये 10 cm निकल गया। यहाँ से हमने क्रॉस मार दिया 15.5 cm। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने जितना छोड़ा है रिड्यूसर में, जब भी आप ये मार्किंग करेंगे यहाँ से आप जितना छोड़ेंगे वो बात की बात है, यहाँ से आप जितना लेंगे, ठीक है। इसे हमने 15 cm लिया, 20 cm भी ले सकते थे। तो जैसे 15 cm हमने लिया तो यहाँ से भी हमको आगे 15 cm लेना है, ठीक है। 15.5 cm, 15.5 cm हमने लिया था तो 15.5 cm हम यहाँ से आगे ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा टेप यहाँ पे 15.5 cm पे है ना। यहाँ से हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पे, ये देखिए ये निशान हम लगा दिया। इसके बाद यहाँ से एक लकीर आप खींच दें यहाँ तक, दो होल आपको रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना, दो होल रखना है, एक होल ये दो होल, ये पूरा कट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने निशान लगा दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमको यहाँ से 10 cm लेना है। ये जो देख रहे हैं मार्किंग, यहाँ से हम 10 cm इधर लेंगे, तो 10 cm हम यहाँ से मार्किंग कर देंगे। ये 10 cm हमारा, यहाँ से 10 cm पे आप एक निशान लगा दो, ठीक है। ये 10 cm हमारा ये बन जाएगा ना, 10 cm ये हमको रखना है, ठीक है। ये वाला कट के आपका बाहर निकल जाएगा। तो 10 cm हमने निशान लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर आपको यहाँ 10 cm ले लेना, आगे ले लेना, 10 cm पे आपको यहाँ से एक आगे निशान लगाना है, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये सीधा पूरा मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो देख रहे 10 cm, ये इसको पूरा आप यहाँ तक मार्किंग कर लें, यहाँ से पूरा मार्किंग कर दें, यहाँ से हम पूरा काट देंगे। देखिए कट का निशान लगा देते हैं, ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक कट जाएगा, है ना, ये वाला पूरा कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये हम ये वाला भी कटिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये हिस्सा भी काट के निकाल देंगे, ये हिस्सा हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी एक आप मार्किंग कर दें सीधा करके, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये देखिए
ये भी आपको कटिंग कर लेना है, ये भी कटिंग कर लेना है, ये भी कटिंग कर लेना है, है ना, ये भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये कट के बाहर आ जाएगा, ये पूरा हमारा बाहर आ जाएगा, है ना। इसको भी काट लेना है आपको, और ये मार्किंग हमारा इस तरफ हो गया। अब इधर आ जाइए आप, इस तरफ भी आपको मार्किंग करना है। एक इधर आप निशान लगा दें, इधर भी एक निशान लगा दें, और एक इधर भी, ये भी पूरा मार्किंग कर दें, ठीक है। ये आपका पूरा कट के ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कटिंग नहीं होगा, इसलिए सिर्फ यहाँ तक कटिंग होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये भी कटिंग नहीं होगा, ये इसको आप हम इधर काटेंगे, ये देखिए, ये वाला हम भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक भी निशान दे देते हैं, भी का मार्किंग करते रहे। ये हमारा यहाँ भी का निशान लगा दिया हमने, यहाँ हमने भी का एक कटिंग करेंगे। और उसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे सिर्फ हम आई कटिंग मारेंगे, है ना, यहाँ सीधा कट कर देंगे, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक बस, उसके आगे कटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम आपको दिखा देंगे कैसे हमने काटा है। मैंने पहले भी आपको निशान लगा के दिखा दिया है, ये हम पूरा काटेंगे, ये भी काटेंगे, ठीक है। ये हमारा निकल जाएगा, ये जो हम इतना रख रहे हैं ना, ये जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला हम यहाँ से काटेंगे ना, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ आई कट मारे हैं, तो इसको ऐसे मोड़ेंगे और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा 15.5 सेंटी, और ये 10 सेंटी है, ये 10 सेंटी जो हमने रखा है यहाँ पे, ये 10 सेंटी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम बैठा करके रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट करके आपको भी दिखाएंगे। पहले हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। आई होप ये मार्किंग आप अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर आपको मोड़ के भी दिखाएंगे। पहले कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग तैयार हो गया है ना। यहाँ से हमने ये पूरा सीधा यहाँ तक काट दिया है, और ये वाला हिस्सा जो था ये हमारा काट के निकल गया है ना। यहाँ से हमने 15.5 सेंटी लिया था, और फिर यहाँ से 15.5 सेंटी यहाँ पे लिया, यहाँ पे आई कट मार दिया। तो वैसे ही आपको मार्किंग करके कटिंग करना है। इसको हम मोड़ेंगे तो ये हमारा 15.5 सेंटी, ये 15.5 सेंटी जो हमने कटिंग किया यहाँ से यहाँ तक, ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, और ये 10 सेंटी, ये 10 सेंटी के ऊपर आके बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें हम फिर रूपिंग बोल्ट डाल करके आपको टाइट करके आपको दिखाएंगे। और इधर भी देख लीजिए, ये जो हमने आई कट मारा है, यहाँ सेम सेम आपको यहाँ भी आई कट का निशान लगा के ये कटिंग कर लेना है, और यहाँ पे वी कटिंग का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कटिंग करना। तो चलिए इसको मोड़ करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा रिड्यूसर बन करके तैयार हो गया 10 सेंटी का। ये हमने पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट कर दिया है, और ये हमारा 10 सेंटी का ये रिड्यूसर बन गया है, ठीक है। इधर से भी आप देख लें, ये देखिए, ये हमने मोड़ करके पूरा रूपिंग बोल्ट डाल दिया है, ये देख सकते हैं। ये हमने बाकी का हिस्सा पूरा कटिंग करके निकाल दिया है, और इसमें हमने इसको चढ़ा करके, ये 10 सेंटी है, ये 15.5 सेंटी है, रूपिंग बोल्ट डाल करके टाइट कर दिया। तो सेम सेम ऐसे ही आपको फोल्डिंग कर लेना है, मोड़ लेना है, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट आपको दिखाते हैं, ये हमारा 10 सेंटी का रिड्यूसर बना है कि नहीं। तो आइए इसका मेजरमेंट देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 10 सेंटी का रिड्यूसर बन गया है। सेम सेम मेजरमेंट है आपका, है ना। तो सेम ऐसे ही आपको मेजरमेंट करना है और कटिंग करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।